फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। दोस्तों, घुमक्कड़ों के लिए ये लाइनें ऊर्जा देने वाली हैं, उन्हें महापंडित राहुल सांस्कृतियान की याद दिलाती हैं। हिंदी का एक ऐसा विद्वान जिसने घुमक्कड़ी को शास्त्र कहा, हिंदी में यात्रा संस्मरण लिखने के लिए जाना गया, खुद हजारों हजार किलोमीटर की यात्राएं कर ऐसे ऐसे साहित्य का सृजन किया जिसे पढ़कर ना सिर्फ घुमक्कड़ी को धर्म बनाने को जी चाहता है, बल्कि आपको घर बैठे ही उन स्थानों के बारे में इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र की संपूर्ण जानकारी हो जाती है। राहुल सांस्कृतियाँ को हिंदी साहित्य को यात्रा संस्मरण यानी ट्रैवल लॉग लिखना सिखाने वाला कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे भी राहुल के अनुसार घुमक्कड़ धर्म से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, अपनी इसी बात को सिद्ध करने के लिए आज के अध्याय में हम घुमक्कड़ी वृत्ति के फायदे जानेंगे। कोई सौभाग्यशाली ही घुमक्कड़ हो सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति चिंता रहित बनकर सुख प्राप्त करता है। भ्रमण मार्ग में आने वाले कष्ट जीवन के सुख को उसी प्रकार बढ़ा देते हैं जिस प्रकार भोजन में पड़ी मिर्च उसके रस को बढ़ा देती है, यह कहना है राहुल जी का। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम राहुल जी द्वारा रचित अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा यात्रा वृतांत की समीक्षा पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपना शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश संसार के उत्पादक, रक्षक एवं विनाशक के रूप में विश्व का हित करते हैं, पर संसार में इसका कोई यथार्थ परिणाम प्रमाण देखने को नहीं मिलता। यथार्थ तो यह है कि मानव को सुख दुख में केवल घुमक्कड़ों से ही सहारा मिलता है। संसार के बहुत बड़े बड़े आविष्कारों का मूलाधार है घुमक्कड़ वृत्ति। राहुल सांस्कृत्यायन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के साहित्यकार हैं। अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा के आरंभ में लेखक ने बताया है कि जिज्ञासा उस श्रेष्ठ वस्तु विशेष को जानने की इच्छा को कहते हैं जो व्यक्ति और समाज के लिए हितकारक हो। इस आधार पर महामुनि व्यास ने भ्रम को तथा उनके शिष्यों ने धर्म को जिज्ञासा का विषय माना है, किंतु जो लेखक की दृष्टि में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? घुमक्कड़ी। क्योंकि घुमक्कड़ व्यक्ति और समाज सभी का हित चिंतक हुआ करता है। घुमक्कड़ी को संसार की श्रेष्ठ विभूति सिद्ध करने के लिए विविध उदाहरण देते हुए राहुल जी कहते हैं कि आदिम युग से लेकर आज तक सांसारिक उन्नति के विभिन्न रूप मानव की घुमक्कड़ी वृत्ति के कारण ही जन्मे हैं। आर्य, शक, हुन एवं मंगोल आदि जातियां घुमक्कड़ ही थी जिन्होंने हिंसा एवं अहिंसा के मार्ग अपनाकर संसार की विभिन्न जातियों को गतिशीलता एवं कर्मनत्या का पाठ पढ़ाया। यूरोप वासी कोलंबस और वास्को डिगामा ने घुमक्कड़ी वृत्ति के कारण ही साहस भरी यात्राएं करके अमरीका और भारत की खोज की। इसके विपरीत एशिया वासी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के नहीं थे, इसलिए उनका भौगोलिक ज्ञान अधूरा रहा। लेखक के अनुसार भारत और चीन में भी अनेक घुमक्कड़ पैदा हुए जिन्होंने लंका, बर्मा, मलाया, यवद्वीप, सियाम, कंबोज एवं चंपा जैसे देशों में अपने धर्म एवं संस्कृति का संदेश पहुंचाया। धर्म नायक बुद्ध घुमक्कड़ थे। उन्होंने अपने शिष्यों को घुमक्कड़ी की प्रेरणा दी, जिसके कारण विश्व के बहुत से भागों में बौद्ध धर्म का संदेश पहुंच सका। राहुल जी ने स्त्रियों को भी घुमक्कड़ी की प्रेरणा दी है। उनका मत है कि घुमक्कड़ी का धर्म इतना संकुचित नहीं है कि नारी का इसमें कोई स्थान ना हो। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक भगवान महावीर बहुत बड़े घुमक्कड़ थे। उन्होंने तो अपना घर द्वार, वस्त्र आदि का परित्याग कर दिया था और आजीवन भ्रमण ही करते रहे। उन्होंने घुमक्कड़ कार्य में आने वाली हर बाधक, अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का भी परित्याग कर दिया था। श्री शंकराचार्य ने घुमक्कड़ वृत्ति के द्वारा ही वेदांत का संदेश भारत की चारों दिशाओं में पहुंचाया। वे अपने शिष्यों को भी घुमक्कड़ी का पाठ पढ़ाया गए।
जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी विचार परंपरा रूस की वोल्गा तट तक पहुंचकर अपने अनेक अनुयायी बनाने में सफल हुई। वैष्णव धर्म के प्रख्यापक रामानंद एवं प्रभु चैतन्य श्री चैतन्य भी घुमक्कड़ ही थे। सांस्कृत्यायन जी का विचार है कि घुमक्कड़ी के अभाव में कश मंडुकता एवं संकुचित वृत्तियां पनपती हैं। अपने आश्रमों की चार दीवारी में बंद रहने वाले जो साधु सन्यासी होते हैं वे महर्षि होने का दंभ तो रचते हैं, पर क्या वे महान आत्मा गुरु नानक की पंक्ति में बैठ सकते हैं, जिनकी पर्यटन वृत्ति भारत तक ही सीमित न रहकर ईरान और अरब तक उन्हें ले गई और उनकी निर्भीकता ने वहां के धर्मांध भक्तों को चमत्कृत कर दिया। स्वामी दयानंद का जीवन घुमक्कड़ी वृत्ति का एक आदर्श निदर्शन है। उन्होंने भारतीय धर्म एवं शास्त्रों का वास्तविक स्वरूप यात्रा करके ही जन समुदाय तक पहुँचाया। ईसा मसीह एवं उनके अनुयायी ये सभी तो घुमक्कड़ी के कारण ही संसार में अपना संदेश फैला सके। यहूदी जाति जब तक घुमक्कड़ी से संन्यास लिए रही, यानी कि जब तक वो घुमक्कड़ नहीं रही तभी तक वो पिछड़ी रही, किंतु जब उसे घुमक्कड़ी का लेश मात्र भी संकेत मिल गया वह अरबी साम्राज्यों को सरलता से पराजित करने में सफल हो सके। दोस्तों, घुमक्कड़ी के कारण मैं व्यापार, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में ख्याति के उच्चतम शिखर तक भी पहुंच गई। घुमक्कड़ प्रवृत्ति की उच्चता की तुलना में धर्म भी हीन सिद्ध हो जाता है। राहुल के अनुसार किसी भी जाति की उन्नति घुमक्कड़ों पर आधारित है, अतः प्रत्येक युवक एवं युवती का कर्तव्य है कि वह घुमक्कड़ व्रत को ग्रहण करे। स्वयं लेखक अनेक बार राजकीय रुकावटों को पार कर विदेश गए। राहुल का मानना है कि नौजवानों को माता पिता पति पत्नी बंधु बांधव सभी का मुँह छोड़कर साहस का सहारा लेकर घुमक्कड़ी में जवानी का सदुपयोग करना चाहिए। घुमक्कड़ी ही जीवन जीना सिखाती है, मनुष्य बनना सिखाती है, ये सब राहुल जी का मानना है। महानदी के वेग की तरह घुमक्कड़ की वृत्ति को रोकने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। बड़े बड़े कठोर पहरे वाली राज्य सीमाओं को घुमक्कड़ी ने आंख में धूल झोंक कर पार कर लिया। लेखक ने स्वयं ऐसा कई बार किया है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि यदि कोई तरुण तरुणी घुमक्कड़ धर्म की शिक्षा लेता है तो यह दीक्षा वही ले सकता है जिसमें बहुत भारी मात्रा में हर तरह का साहस हो। राहुल जी का कहना है कि उसे किसी की भी बात नहीं सुननी चाहिए, ना माता के आंसू बहने की परवाह करनी चाहिए, ना पिता के भय और उदास होने की, ना भूल से विवाह कर लाई पत्नी के रोने धोने की फिक्र करनी चाहिए और ना ही किसी तरुणी को अपने पति के कलपने की परवाह करनी चाहिए। कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ो, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। ये पंक्तियाँ हैं राहुल जी की। दोस्तों, ये हमने जाना अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जो कि राहुल जी का एक यात्रा वृत्तांत है, उसकी समीक्षा के विषय में। हिंदी भाषा के और भी अनेक विषयों पर हम समय समय पर अपने इस चैनल के माध्यम से चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों उसके लिए मेरे इस चैनल को आपको लाइक और सब्सक्राइब करना होगा ताकि समय समय पर आपको अपने विषयों पर जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।